बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, ईद मुबारक। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? आई होप आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। और आज जो है हम अपना लेक्चर दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लेक्चर नंबर 31 है। और हमने जो पिछले हमने ड्राई पोजीशंस फ्रॉम सिटिंग पढ़ी थी, और आज हम ड्राई पोजीशंस फ्रॉम लाइंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग कह रहे होंगे लेक्चर्स क्यों ये वाले ड्राई पोजीशन के ख़त्म नहीं हो रहे। मैं इनका कंटेंट इस वजह से स्लाइड्स में थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, ताकि आपको ये याद करने में आसानी हो। ठीक है, लाइंग पोजीशन है, देन इसके अंदर लास्ट पोजीशन रह जाएगी जो कि हैंगिंग पोजीशन है। ठीक है, लाइंग पोजीशन से भी मैं आज मैंने 4 या 5 डाली हैं, 4-5 जो है मैं कल उसका लेक्चर बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं अगर छोटा छोटा बना रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, तो काइंडली आप लोग भी अपनी कंसंट्रेशन दें इस पर और इसे याद करें। और ये वाकई में ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से याद करेंगे जिस तरह मैंने बनाया है। ठीक है, लाइंग। अच्छा, लाइंग में हमें पता है कि जब लाइंग पोजीशन है, बेस ऑफ सपोर्ट आपकी ज्यादा है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी लोअर है, और क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रहे लाइंग पोजीशन में, आप बिल्कुल स्ट्रेट आप लेटे हुए हैं। ठीक है, तो आपका मसल वर्क बहुत मिनिमम है। ठीक है, बहुत मिनिमम हमारा लाइंग पोजीशन में, जिस तरह जो फंडामेंटल पोजीशन लाइंग पोजीशन है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है, आपकी इसमें आपके जो मसल्स हैं वो इतना ज्यादा वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, सो लाइंग ऑन द फ्लोर और ऑन द बेड इन स्पाइन पोजीशन, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, इट्स बेड। ठीक है, विद आर्म बाय साइड ऑफ द बॉडी एंड लेग्स आर कीप स्ट्रेट। ठीक है, इट इज मोस्ट स्टेबल काइंड देन द अदर फंडामेंटल स्टार्टिंग पोजीशन ड्यू टू लोअर प्लेसमेंट ऑफ। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी कम है, आपकी बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा है। ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो स्टेबल पोजीशन है वो लाइंग है। जितना हमने फंडामेंटल पोजीशन पढ़ी थी उसमें लाइंग है, देन सिटिंग है, देन वो डिफरेंट मॉडिफिकेशन के साथ पोजिशन आ जाती हैं। ठीक है, सो इट इज वेरी मच यूजफुल पोजिशन टू परफॉर्म मेनी ऑफ द। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लोअर लिम्ब की एक्सरसाइजेस, ट्रंक की, नेक की एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग। ठीक है, और एरोबिक एंड एनएरोबिक, ठीक है, बहुत सी एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, ये एक्सरसाइजेस हम इसके अंदर कर सकते हैं लाइंग पोजिशन के अंदर। ठीक है, और ये क्या है, इजिएस्ट फंडामेंटल पोजिशन है, एज द बॉडी इन विच द बॉडी इज फुली सपोर्टेड है, फुली स्टेबल है। हॉरिजेंटल सरफेस किस पे, ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस इन स्पाइन पोजीशन। ठीक है, फिर तो लाइंग के आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे, प्रोन लाइंग है, स्पाइन लाइंग है, साइड लाइंग है, क्रूक लाइंग है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो आपने इसके रिकॉल एक दफा कर लेना है अपना दोबारा से, वो प्रीवियस स्लाइड्स जो लास्ट सेमेस्टर की थी फंडामेंटल पोजिशन की, एक दफा उसे गो थ्रू कर लें, बल्कि अपनी बुक से वो इसे एक दफा दोबारा इस पे जरा एक लुक दे दें इसे लाइंग वाला जो है। ठीक है, और उसके बाद ड्राइव पोजीशंस को इसका पढ़ना आपको बहुत इजी होगा। पोजीशन ड्राइव फ्रॉम लाइन। ठीक है, अब ये क्या है, पोजीशन ऑफ द आर्म्स। दिस पोजीशन इज सिमिलर टू स्टैंडिंग पोस्चर, बट मसल वर्क इज रिड्यूस्ड बाय हॉरिजेंटल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो हेड एंड नेक मसल्स आर यूज टू मेंटेन इट्स पोजीशन एंड एक्टिविटी ऑफ स्केप्यूलर एंड शोल्डर मसल इज स्टिम्युलेटेड। ठीक है, देखें अब आपके क्या है, इसमें जो आपके मसल्स काम कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ द जारी बात है, आपके आर्म्स के मसल काम कर रहे हैं। ठीक है, एल्बो फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स, रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्सर्स वर्क टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, वैसे आपका जो मसल वर्क है रिड्यूस है, क्योंकि हॉरिजेंटल सरफेस पे आप लेटे हुए हैं। ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, जो आप आर्म्स की जारी बात है, आर्म्स के लिहाज से पोस्चर बनेगा, तो आपके मसल्स भी कौन से काम कर रहे हैं, जिस तरह शोल्डर के मसल्स है, स्केप्यूला मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ये हेड एंड नेक मसल्स आर यूज टू मेंटेन इट्स पोजीशन। ठीक है, कि आपका एक इस साइड पे, जैसा मैंने हमने सिंपल फंडामेंटल पोजीशन में पढ़ा था, कि आपके जो हेड और नेक के मसल्स हैं, ठीक है, वो वर्क कर रहे हैं ताकि आपकी जो पोजीशन है हेड की वो मेंटेन रहे, डेविएट ना हो। ठीक है, इस साइड पे बेंड ना हो। ठीक है, बिल्कुल एक सीधी जो उसकी पोजीशन है उस पर मेंटेन रहे। ठीक है, इस तरह स्केप्यूला और शोल्डर के मसल्स हैं वो काम कर रहे हैं, एल्बो फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स, रिस्ट, फिंगर फ्लेक्सर्स। ठीक है, ये मेंटेन, दीज आर वर्किंग टू मेंटेन द स्टेबिलिटी।
अजान हो रही है। ओके देन पोजीशन ड्राइव फ्रॉम लाइन, और ये क्या है विद बाय ऑल्टरिंग द पोजीशन ऑफ लेग्स। ठीक है, ये इसमें हम पढ़ रहे हैं क्रूक लाइन। क्रूक लाइन अब क्या है, आपको क्रूक सिटिंग का हमने पढ़ा था उसके बारे में। ठीक है, अब इसी तरह क्रूक लाइन में, लाइन में आपने अपने नीज को क्या है वो बेंड कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर खुद अगर ये पोजीशन आप बनाए तो आप फील करेंगे कि कौन कौन से मसल्स जो है आपके जो है वो इसमें एक्ट कर रहे हैं। अब इसमें जो पोजीशन बनेगी वो कैसे है, आपकी नीज फ्लेक्स्ड है और आपके फुट है फ्लैट। ठीक है, और फ्लैट आपके वो प्लिंथ भी हो सकता है वो। ठीक है, आपकी प्रिंथ हो सकता है, आपकी नॉर्मल सरफेस भी हो सकती है। सो हिप्स एंड नीज आर बेंड सो दैट फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर, फीट आर फिक्स्ड बाय फ्रिक्शन। अच्छा, अब इसके अंदर वर्क क्या करें, एबडक्टर्स एंड मीडियल रोटेटर्स ऑफ द हिप्स वर्क टू प्रिवेंट द नीज फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट। अब आप इस पोजीशन में देखेंगे आपको फील होगा कि जो आपके एबडक्टर्स हैं हिप्स के उसमें टेंशन आपको प्रोड्यूस, आपको फील होगी कि उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। तो वो टेंशन क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वो एबडक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं ताकि आपके जो नीज हैं, देखें अगर बिल्कुल आप इस तरह पोजीशन में लेटे हुए हैं आपकी टेंडेंसी है कि आपके नीज जो है दूसरी साइड पे गिरने की, उनके वो दूसरी साइड पे चले जाएं। तो आपके एबडक्टर जो आपके एबडक्टर्स हैं हिप के और जो मीडियल रोटेटर्स हैं हिप के, ठीक है, उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने उसे एक जगह पे मेंटेन किया हुआ है ताकि वो जो नीज है, ठीक है, वो साइड पे ना गिरे। और जब नीज साइड पे नहीं गिरेंगे तो जाहिर बात है फुट भी अपनी जगह पे स्टेबल रहेंगे। ठीक है, ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पोजीशन अभी बना ली होगी, बना रहे होंगे। ठीक है, साथ साथ। अच्छा, अब अफेक्ट्स एंड यूजेस इसके क्या है, इस पोजीशन को अगर आप देखें, ठीक है, इसमें क्या है आपके जो एब्डोमिनल मसल्स है ना, जब आप अब नीज अगर आपके बिल्कुल स्ट्रेट होंगे तो वो एब्डोमिन में आपके स्ट्रेच पड़ेगा, लेकिन जब ये क्रूक लाएंगे तो इसमें आपके एब्डोमिनल जो मसल, जो एब्डोमिन है आपका, ठीक है, वो रिलैक्स है अगर इस पोजीशन पे आप गौर करें तो। सो आपके क्या है, एब्डोमिन भी रिलैक्स है, आपके जो इंटीरियर हिप मसल्स हैं, ठीक है, इंटीरियर जो आपके हिप जॉइंट है वो भी आपका क्या है, उस पर भी टेंशन रिमूव हुई हुई है। पेल्विस रोल्स बैकवर्ड, लंबर स्पाइन इज रिलैक्स्ड। अब देखें जिस तरह हम फॉर एग्जांपल जिस तरह आपका इंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, ठीक है, जिस तरह आप जब इस तरह से, मैं आपको ये बात किस तरह से समझाऊं कि हम फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है क्लास में, कि जिस तरह आपका लोर्डोसिस जब आपका इंक्रीज हुआ होता है तो आपका इंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है ना, ठीक है, आपकी पेल्विस आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, लेकिन इसके अंदर आप जब लेटे हुए हैं, ठीक है, आपका पेल्विस क्या है, बैकवर्ड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, पेल्विस रोल्स बैकवर्ड, और आपका क्या होगा, लंबर स्पाइन क्या है वो रिलैक्स है, ठीक है, वो पोस्टीरियरली चला जाता है, तो आपका लंबर स्पाइन रिलैक्स है और वो क्या है, एक सपोर्ट, आपकी लंबर सरफेस को क्या है, एक सपोर्ट मिली हुई है। आपका ट्रंक रिलैक्स है, आपका ट्रंक रिलैक्स है एंड सपोर्टेड है। सो इजी पोजीशन है, और ये क्या है, रिलैक्सेशन को, जनरल रिलैक्सेशन को प्रमोट करने के लिए ये है यूज की जाती, और पोस्चर, ठीक है, पोस्चर के लिए भी बहुत अच्छी है। ठीक है, जिस तरह हम थके होते हैं, हम जब लेट जाते हैं हम कैसा रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी पोजीशन एंड इट्स एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रेन रिलैक्सेशन एंड पोस्चर। ठीक है, सो इसमें पॉइंट्स देख लें कि आपके आपके हिप जॉइंट के ऊपर जो इंटीरियर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो रिलैक्स हैं, आपके एब्डोमिन रिलैक्स है अगर आप इस पिक्चर को देखें पीछे। ठीक है, अब पेल्विस क्या है, आपके रोल्स बैकवर्ड, तो आप जब आपका पेल्विस जब लंबर स्पाइन पे स्ट्रेस का पड़ता है जब वो इंटीरियरली टिल्ट हो गई है, वैसे तो टिल्ट, ठीक है, इंटीरियर टिल्ट एक लोर्डोसिस नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब वो ज्यादा आगे की तरफ टिल्ट होगा तो इंटीरियर टिल्ट हाइपर लोर्डोसिस होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लंबर स्पाइन पे स्ट्रेन डलता है, लेकिन जो ये वाली पोजीशन है लाइन पोजीशन, उसके अंदर आपका जो पेल्विस रोल बैकवर्ड कर जाता है तो आपकी लंबर स्पाइन भी जाहिर बात है रिलैक्स होगी, आपका थोरेक्स रिलैक्स होगा, होल थोरेक्स से नहीं, आपका ट्रंक, होल ट्रंक इज रिलैक्स्ड एंड सपोर्टेड। ठीक है, अब ये क्या है, एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए यूज, अगर आप देखें ये वाली जो पोजीशन है, आप जब क्रंचीज करते हैं जिम के अंदर, ठीक है, जिस तरह आप अपने सर के नीचे हाथ रखे और इस तरह अपनी चेस्ट अपने पीछे से जो अपर बैक है उसे उठा के कोशिश करते हैं, उठाते हैं फिर 10 तक काउंट करते हैं फिर नीचे जाते हैं, फिर उठा के काउंट करते हैं फिर 10 तक नीचे जाते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आपके एब्डोमिनल जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है। ठीक है, तो आपके एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए ये वाली पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेल्विक ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है, जिस तरह हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज, ये जो लोअर बैक है इसे
उठा के, ठीक है, ये पेशेंट इस वाली पोजीशन में अपनी बैग को उठाता है नीचे से और 10 तक काउंट करता है, फिर नीचे रखेगा, फिर बैग को उठाएगा, 10 तक काउंट करेगा, फिर नीचे रखेगा, ठीक है। ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस, इससे क्या होता है आपके जो बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, बैक मसल्स की बेसिकली स्ट्रेंथनिंग होती है, लोअर बैक अगर पेन है और उसके अंदर ये वाली एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन देखते हैं कि पेशेंट को कोई डिस्क का मसला तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है, ठीक है, फिर हम उस लिहाज से गाइड करते हैं ये वाली पोजिशन। अच्छा, अब उसके बाद आपका है क्रूक लाइंग विद पेल्विस लिफ्टेड, ये वाली जो पोजीशन है ना ब्रिजिंग इस तरह से होती है, लेकिन इन्होंने तो अपने हील भी उठाए हुए हैं और फुल एक उठाया हुआ है, कमर भी उठाई हुई है, तो इसमें भी ऐसी ही पोजीशन होती है लेकिन फुट फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो क्रूक लाइंग विद पेल्विस लिफ्टेड, अब इसके अंदर क्या है, पेल्विस इज एलिवेटेड, ट्रंक इज रेस्टिंग ऑन द शोल्डर, ठीक है, एंड इज ब्रॉट इन लाइन विद द थाइस, ठीक है। अफर्म पिलो में भी यूज टू सपोर्ट द बटक्स, एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप्स मे वर्क टू होल्ड दिस पोजिशन, ठीक है। जब अब आप ये पोजिशन बनाए तो आपको फील होगा कि किस तरह आपके एक्सटेंसर ऑफ द जो आपके हिप के एक्सटेंसर के मसल्स हैं, ठीक है, ये जो ग्लूटिया हैं आपके, आपको इस पर बहुत टेंशन फील होगी, ये जो आपके मसल्स हैं, जो आपके हिप के मसल हैं, एक्सटेंसर हैं, तो ये पोजीशन बनाएं तो आपको, ठीक है, तो एक्सटेंसर्स वर्क कर रहे हैं इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। सो आपकी पेल्विस इज एलिवेटेड, योर ट्रंक इज सपोर्टिंग ऑन योर शोल्डर एंड इट्स ब्रॉट इनटू लाइन विद द थाइस, और ठीक है, एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप मे वर्क टू होल्ड दिस पोजीशन। अच्छा, अब ये देखिए पेल्विक फ्लोर जो आपके ठीक है, पेल्विक जो आपके पेल्विक के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो अंदर उसके ऑर्गन्स हैं या जो उसके मसल्स हैं, ठीक है, उसका क्या है प्रेशर, वो क्या हो जाते हैं, वो क्या हो रहा है, उसका रिलीज कैसे रिलीव हो रहा है, जब जाहिर बात है आप इस तरह करके ये ऊपर वाली ऐसी करके पोजीशन बना दी, अब जो आपके ये जो पेल्विस में जो ऑर्गन्स पड़े हैं वो जाहिर बात है ऊपर शिफ्ट होंगे, डायफ्राम की तरफ ऊपर की तरफ आएंगे, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, वो प्रेशर जो है वो जरा रिलीफ हो जाएगा उधर से, ठीक है, और ये ठीक है अपवर्ड टुवर्ड्स द डायफ्राम। सो पोजिशन इज यूजफुल ड्यूरिंग री एजुकेशन ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स, ठीक है, वो जब पेल्विक फ्लोर मसल्स की री एजुकेशन, जब जाहिर बात है आपका डिलीवरी के बाद आपके मसल्स जो है पेल्विक फ्लोर के मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, तो ठीक है, फिर उसके अंदर ये पोजिशन बना के हम उन्हें कहते हैं 10 तक काउंट करें और फिर रिलैक्स करें, फिर 10 तक काउंट करें फिर रिलैक्स करें, इससे क्या होता है पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है ना उनके अंदर स्ट्रेंथनिंग उनकी बेसिकली होती है, जो वीक हो जाते हैं आफ्टर लेबर, ठीक है, वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं उनकी रीएजुकेशन दरअसल स्टार्ट हो जाती है, और जब ये वाली इस पोजीशन से क्या हो रहा है, जहां से जो आपके ऑर्गन्स है वो भी ऊपर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, डायफ्राम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जब डायफ्राम की तरफ शिफ्ट होंगे, मैं अब आपको इसका एक इफेक्ट बताने लगी हूँ, क्योंकि खुद फील करें, जब डायफ्राम की तरफ शिफ्ट होंगे, डायफ्राम से ऊपर लंग्स की तरफ प्रेशर जाएगा, तो ये रेस्पिरेटरी जिनको प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कंडीशन सुटेबल नहीं है, ठीक है, ये वाली जो क्रूक लाइंग विद पेल्विस लिफ्टेड है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए सुटेबल पोजीशन नहीं होगी, क्योंकि जब जाहिर बात है पेल्विस से आपके ऑर्गन्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है, वो प्रेशर डायफ्राम की तरफ डालेंगे, डायफ्राम से फिर लंग्स की तरफ प्रेशर जाहिर बात है उन पे भी, लंग्स पे भी पड़ेगा, तो ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट्स हैं उनके लिए ठीक नहीं है, जो हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें, उनके लिए ये पोजीशन सुटेबल नहीं है, ठीक है। देन अ हाफ लाइन, और अब हाफ लाइन में क्या है, ट्रंक इज सपोर्टेड इन द ओब्लिक पोजिशन, ठीक है, यह पोजिशन देखें कि आपका नीचे से आप रेस्टिंग पोजिशन में लेग जारी बातें सपोर्टेड है तो मसल वर्क नहीं है, लेकिन ऊपर जो है वो आपका वैसे वो भी सपोर्टेड है, ठीक है, इतना मसल वर्क है लेकिन यह है कि सपोर्टेड है ऊपर से। सो ट्रंक इज सपोर्टेड इन द ओब्लिक पोजिशन बाय इंक्लाइनेशन ऑफ अलोंग एंड ऑफ द प्लिंथ, ठीक है, जो प्लिंथ के साइड पे आप लोग प्लिंथ पे ही आपका जो ट्रंक है वो सपोर्टेड है, वेल द लेग इज सपोर्टेड हॉरिजेंटली, वो ओब्लिकली सपोर्टेड है और वो हॉरिजेंटली सपोर्टेड है, ठीक है। अब आपने ये नोट करना है इस वाली पोजीशन में अलाइनमेंट देखना बहुत जरूरी है, कि ये ना हो कि स्लम्प पोजीशन हो जाए कि इंसान आगे ऐसे झुक के बैठा हो, ठीक है, वो हाफ लाइन पोजीशन ही बनेगी, वो पोस्चर को खराब करने वाली कोई दूसरी पोजीशन सी बन जाएगी। सो हाफ लाइन फिर क्या है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि जो वो ट्रंक है वो पूरी उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक हो, ताकि जो स्लम्प ना बने, जिस तरह वो कुप्सा निकाल के बैठ जाते हैं उस तरह से नहीं बैठना।
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और ये प्लीज ये परफॉर्म करके देखें, तो ये याद करने की इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल आपको फील होता जाएगा, फील करते जाएंगे आप दरअसल ये खुद। अब देखें इस पोजीशन में क्या है, बॉडी रिलैक्स्ड है, कंफर्टेबल है, ठीक है, और ये जाहिर बात है आप फुल सपोर्टेड है, ठीक है, आपकी ट्रंक भी सपोर्टेड है, आपका जो है वो आपकी लेग्स तो सपोर्टेड हॉरिजेंटली है, ट्रंक्स आपकी इंक्लाइंड पोजीशन में सपोर्टेड है, तो बॉडी आपकी क्या है, रिलैक्स्ड है, कंफर्टेबल है इस पोजीशन में। और ये वीक और एल्डरली पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी ये पोजीशन है, ठीक है, उनके क्योंकि ब्रीदिंग इजियर है, ठीक है, डायफ्राम पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, डायफ्राम से लंग्स पे कोई प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा, तो ये उनके लिए ब्रीदिंग इजियर है। हार्ट पेशेंट्स जो हैं उनके लिए भी जो है वो ये इजी होती है ये वाली पोजीशन अडॉप्ट करना। और फिर अगर आप देखें वार्ड में, जिस तरह आप जब आप सेमिस्टर आपके जब आप प्रोग्रेस करेंगे इंशाल्लाह ताला आगे जो कि मेहनत करेंगे तो प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है, और तो उसमें फिर ये है कि जिस तरह वार्ड्स में जब आप जाते हैं तो उसमें रेस्पिरेटरी कंडीशन वाले पेशेंट होते हैं, उन्हें इसी पोस्चर में मोस्टली बिठाया जाता है, ये जो हाफ लाइंग है उसमें क्या होता है, ये उन्हें चेस्ट, ठीक है, चेस्ट उनके चेस्ट की जिस तरह एक्सरसाइजेस होती हैं उसके लिए भी ये वाली पोजीशन अच्छी होती है, ठीक है, और वैसे भी जो उन्हें एक्सरसाइज गाइड करेंगे जो उनके कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, तो ये पोजीशन मोस्टली उनमें ये अडॉप्ट करवाई जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी मसल्स यूज नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या है, बट इट इज फॉर्म इन इट सेल्फ, इट अलाउज द इफेक्ट ऑफ ए मूवमेंट टू बी एज प्योर एज पॉसिबल। एंड ये क्या है, मेडिकल जिम्नेजियम, मेडिकल जिम्नेजियम यानी कि जो मेडिकली जो कंडीशंस हैं, ठीक है, उसमें जब एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर ये वाली कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्टली बनाई जाती है हाफ लाइन पोजिशन, क्योंकि आपके क्या है मसल वर्क नहीं है, फुल सपोर्टेड है आपकी बॉडी, पीछे से आपके प्लिंथ ने उसे इंक्लाइंड सपोर्टेड की सपोर्ट दी हुई है, और जो आपकी लेग्स हैं उन्हें हॉरिजेंटल सपोर्ट प्लिंथ ने दी हुई है, सो इट्स कंफर्टेबल पोजीशन फॉर वीक एल्डरली एंड फॉर यू नो रेस्पिरेटरी एंड फॉर द पेशेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी कंडीशंस और हार्ट कंडीशन, ठीक है, हार्ट डिजीजेस, उनके लिए ये अच्छी पोजिशन है। देन प्रोन लाइंग, ठीक है, प्रोन लाइंग, दिस इज प्रोन लाइंग, उल्टा आप लेटे हुए, सो लाइंग फेस डाउनवर्ड, द बॉडी इज फुली सपोर्टेड इंटीरियरली ऑन द फ्लोर पोजिशन। अच्छा, अब ये प्रोन लाइंग में ये वाली पोजिशन है कि आपकी इंटीरियरली वो जो है पोजिशन आपकी इंटीरियरली फेस कर रही है फ्लोर की तरफ, ठीक है, अब ये पोजिशन आपकी रिलैक्स भी हो सकती है, एक्टिव रिलैक्स ये है कि बिल्कुल मतलब ठीक है मसल वर्क नहीं है, आप सिर्फ उल्टा लेटे हुए और रिलैक्स, एक जनरल रिलैक्सेशन प्रोड्यूस हो रही है आपकी बॉडी के अंदर। और एक्टिव पोजीशन में जाहिर बात है जब आपने क्या कि आपके आपके हेड के मसल्स ने क्या कर रहे हैं वो उन्होंने उसे कंट्रोल किया हुआ है, हेड के मसल्स ने मतलब आपका रेस आपका हेड रेज हुआ हुआ है, अब जाहिर बात है हेड रेज करने के लिए हेड के मसल्स काम करेंगे तो आपका हेड की पोजीशन को मेंटेन उन्होंने किया हुआ है। सो एक्टिव पोजीशन क्या है, यूज एज ए स्टैटिक होल्डिंग फॉर पोस्चर ट्रेनिंग, द हेड इज स्लाइटली रेज्ड फ्रॉम द सपोर्टिंग सर्फेस, ठीक है, तो आपका हेड रेज है फ्रॉम द सपोर्टिंग सर्फेस, ठीक है, ये हम डिफरेंट जो आपके नेक के बैक मसल नेक के जो आपके पोस्टीरियर नेक के मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए ये हम पोजीशन यूज करते हैं। पोस्चर खराब है, कोई पोस्टरल प्रॉब्लम है कोई, ठीक है, नेक से रिलेटेड और मतलब आपका उसमें ये वाला काम है तो ठीक है जाहिर बात है फिर उसके अंदर ये वाला पोजीशन हम अडॉप्ट करवाते हैं पेशेंट से। अब उसमें क्या है, प्री एंड इसमें जो मसल वर्क है एक्टिव आपके जो पोजीशन है, प्री एंड पोस्ट वर्टिब्रल नेक मसल्स वर्क टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द हेड, ठीक है, प्री एंड पोस्ट वर्टिब्रल नेक मसल्स, रिट्रैक्टर्स एंड डिप्रेसर्स ऑफ द स्केप्यूला, फील करें पोजीशन बना के आपने हेड को लिफ्ट किया हुआ है, आपके रिट्रैक्टर्स और डिप्रेसर्स ऑफ स्केप्यूला आर वर्किंग, ठीक है, आपके लेटरल रोटेटर्स ऑफ हिप नीज ऑफ हिप कीप द जो आपके लेटरल रोटेटर्स हैं हिप के वो आपके नील्स उन्होंने हील्स को क्या किया वो टुगेदर रखा हुआ है ताकि वो साइड पे ना गिरे, ठीक है, सो दिस इज द पोजीशन, रिलैक्स पोजीशन पे कोई मसल वर्क रिक्वायर्ड नहीं है। और अच्छा आप देखें जो ये वाली पोजीशन है ये हार्ट पेशेंट रेस्पिरेटरी पेशेंट्स और एल्डरली पेशेंट्स के लिए ज्यादा ये सूटेबल पोजीशन ज्यादा नहीं बल्कि बिल्कुल सूटेबल पोजीशन नहीं है। कैसे कि आपकी जब आप उल्टा लेटे हुए ठीक है आपका सारा क्या है आपका जो वेट है ठीक है वो सारा आपका चेस्ट और एब्डोमेन की तरफ आ रहा है ठीक है ऐसे आप उल्टे लेटे हुए जारी बात है उसकी तरफ वेट आ रहा है तो ब्रीदिंग आपकी जो है ना वो समवट रिस्ट्रिक्टेड है
सो इट्स नॉट सुटेबल फॉर द पेशेंट्स ऑफ हार्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज और ऑब्वियसली फॉर एल्डरली पेशेंट्स. ठीक है, वीक पेशेंट्स, एल्डरली पेशेंट्स. सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर. और अब जो थर्सडे को है आपका इसका वाइवा होगा, ठीक है, और आपके प्रीवियस जो है उनके भी वाइवा होंगे. बेशक आप लोगों ने रिवाइज, ठीक है, अगर आप लोगों के तैयार है उन्हें सिर्फ एक लुक देने की आपको जरूरत होगी. सो आपका मैं थर्सडे को आपका टेस्ट होगा इसका, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस जो आपका जिसके प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनका तो आप टेस्ट दे चुके हैं. तो वो मैंने भी उस चेक हो गया, मैंने उसके बस ईद आ गई और मैंने वो मार्क्स नहीं लगाए. मैं अभी अपडेट कर दूंगी मार्क्स उसके आपके ग्रुप में. सो थर्सडे को आपका इसका होगा, ठीक है. अब थर्सडे को चाहिए अगर मैं भूल भी जाऊँ ना बताना, तो आपको पता है कि थर्सडे को आपका वाइवा या टेस्ट जो भी है वो होगा. सो मुझे ये लेम एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं आने चाहिए कि मैम आपने बताया नहीं था. आपको सबको पता है कि थर्सडे को आपका टेस्ट है, ठीक है, और आपको खुद ही पता होना चाहिए कि जहाँ तक दे दिया है और उससे आगे का होगा तो. लेकिन आपका ये जो मैं इससे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो इंक्लूडेड होंगे. सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर.